लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। हमारे प्रभाग में सिर्फ जो पानी का नियोजन होता था वो 30,000 लीटर टैंकी के थ्रू होता था, पर मेरे जीत के आने के बाद मैंने पहले साल में 110,000 लीटर की पानी की टैंकी बनाई और साथ ही में बहुत बड़ी जो मैं उपलब्धि मेरी मानूंगा आप सबके आशीर्वाद से, आज तक झोपड़पट्टी को मोरबे धरन की लाइन है, सिर्फ हनुमान नगर एक ऐसा प्रभाग है जिसको मोरबे का पानी मिलता है। आजू बाजू के बहुत सारे जो खुद को कार्य सम्राट समझते हैं, जो कार्य सपाट है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन दादा सिर्फ बोलने के लिए करते हैं। कल एक सभा हुई, उसमें ये कहा गया कि सारे काम हो गए, मैंने तो सब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर बाद में उन्होंने नहीं कहा कि ये काम करना बाकी है। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं इसलिए वो कंफ्यूज है। बार बार ये देखा गया 95 में हमारे प्रभाग में किसी ना किसी को खड़ा करने की कोशिश की, हमें यहाँ पर टॉर्चर करने का काम किया गया 2000 में किया गया, 2005 में किया गया, 2010 में किया गया, 2015 में किया गया, और अभी तो अपने साथ है नहीं, अभी तो फुल चैलेंज है। जो तुमने चाहते थे आज तक कि हनुमान नगर तुम काबिज करना चाहते थे, आज मैं आप मेरी जो भाई बाप जनता यहाँ पर बैठी है, मेरा चैलेंज है, हिम्मत है तो हनुमान नगर से खड़ा होके दिखाओ, यहाँ पर दूसरे को यहाँ पर मोहरा बना के उनका इस्तेमाल किया गया। मैं आज बोलता हूँ अगर हिम्मत है तो यहाँ पर खड़े होके दिखाओ, और अगर यहाँ की जनता ने तुम्हें यहाँ पर मुंह के बल नहीं गिराना तो मेरा नाम अमित पेड़कर है। मुझे तो कभी कभी ये प्रश्न मुझे होता है कि बार बार यहाँ आके यहाँ के लोगों को गुमराह करते हैं, यहाँ के लोगों को बोलते हैं कि उसने क्या किया मुझे छिटके दो। अरे मैं बोलता हूँ तूने तुरवा स्टोर में ऐसा क्या किया कि वहां पर सिंगापुर बनाया क्या जो लोगों ने वहां पर आके तुझे बोलना चाहिए कि तू यहाँ आके खड़ा रहे। वो लक्ष्य पिक्चर अगर सबने देखा होगा ऋतिक रोशन और अमिताभ बच्चन जी का, दादा उसमें डायलॉग है अमिताभ बच्चन जी का, स्वतःचा घर सांभाळता येत नाही आणि चालले जन जिंकायला, ऐसी जाते उसका घर संभाल नहीं सकते। वहां पर लोग कितने अभी 15 साल से वहां पर डंपिंग से त्रस्त है, वहां पर अभी तक कितने लोगों की ब्रिज एक स्काईवॉक बना नहीं पाए, उससे उनकी जान जा चुकी है कितने लोगों की। आप भी बोलते मैं बना रहा हूँ, कब बना रहे, जैसे इलेक्शन लगा मैं ये बना रहा हूँ, मैं वो बना रहा हूँ, इलेक्शन आगे गया ये चला फार्म हाउस पार्टी करने के लिए। हमने यहाँ पर एक नहीं दादा आपके आशीर्वाद से मैंने 2 स्काईवॉक बनाए, वो एक भी नहीं बना पाए जिसके 4 नगर से होते, मैंने 2 बना के दिखाए। अभी तक उन लोगों को पानी की पीने की प्रॉब्लम हो रही है, मैंने मोरबे धरन का पानी लाया और ये मुझे वो सिखाने की बात करता है, अरे तुझे इतनी ताकत थी तो तू क्यों नहीं कर पाया, जब तू कर नहीं पाया ना तो तुझे ये बोलने का हक ही नहीं है यहाँ के लोगों को कि मुझे यहाँ पर मौका दो, मैं क्या करूंगा, जब तू खुद की धो फिर हमारी धोने आना है। लॉकडाउन के पीरियड में भी दादा आपके माध्यम से इतनी बड़ी परेशानी लोगों को कोरोना की वजह से हुई, आपके माध्यम से आपने हमें सूचना की थी कि आप सभी को 24/7 आप लोग को लोगों की सेवा में कार्यरत रहना है, और दादा आपकी सूचना से हम सारे, मेरी सारी पूरी टीम और नई मुंबई में जितने भी आपकी पूरी टीम है सब 24/7 लोगों की सेवा में लगे। दादा आज कोरोना की भयंकर महामारी की वजह से बहुत लोगों की जान चली गई, उस बात का तो दुख है, लेकिन सबने ये कोशिश की जितना हो सके उतने लोगों की जान बचाई जाए। उस वक्त लोगों को ऐसा हो गया था कि वक्त में खाने को अनाज नहीं था, ऐसे वक्त में ऊपर वाले ने कहां से दिया पता नहीं, लेकिन हमने ना किसी को बताया ना किसी को कहा कि हम भेज रहे, हमने हमारे सभी टीम को एक एक गली में लगा दिया, 4 वक्त हमने लोगों को राशन बांटने का काम किया था, वार्ड का सैनिटाइजेशन हो वो किया, मास्क का वितरण किया,
बहुत सारे ऐसे लोगों थे जिनको बिल्कुल भी खाने नहीं था, ऐसे दादा हमने 4 महीने 700 लोग को पका हुआ खाना 2 टाइम खिलाने का काम किया दादा। और ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी बात करते, बड़ी बड़ी घोषणा करते, एक 21 टन का ट्रक का उन्होंने 4 बार न्यूज बताया साल भर में, 21 टन का ट्रक, 21 टन, हमारा एक एक चीज में फेसबुक लाइव था कि नहीं? मैंने एक एक चीज जो हमने लोगों के लिए किया हमने बताया कि नहीं? बाकी की जैसे हमने कुछ किया, एक ही ट्रक को 10 बार दिखाने का काम? जो सच है वही यहाँ पर मेडिकल परिवार करेगा, अगर झूठ है तो सिर्फ दुर्भाष्टर वाला करेगा। इतना लिखते ले पंद्रह बीस दिन से दादा बड़े बड़े आश्वासन की हवा चालू हो चुकी है। इसके पहले 3 डब्बे में भी हुई थी जब इलेक्शन का माहौल आ चुका था, और अभी भी बड़ी बड़ी हवा चालू हो चुकी है। ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, गाड़ी लेके देता हूँ, 15,000 रुपया चालू कराता हूँ, महानगर पालिका में काम पे लगा देता हूँ, मुझे देख के ये वोट करो, मैं खड़ा रहने वाला हूँ। जेंट्स वार्ड में भी बोलता मैं खड़ा रहने वाला हूँ, लेडीज वार्ड में भी बोलता मैं ही खड़ा रहने वाला हूँ। दिशा भूले आदमी की, और दिशा भूल गया तुम लोग साथ देने वाले हो क्या? हमारे जो मस्जिद परिसर है दादा, वहाँ पर एक छोटा सा 500 मीटर का प्लॉट है, बहुत सारे दिनों से ऐसे ही पड़ा था, और हमारे बच्चों को यहाँ पर खेलने के लिए जगह नहीं है, तो उस जगह पे हम लोग पूरा एक गार्डन बना रहे दादा, और वहाँ पर एक प्ले पूरा हम लोग गार्डन बना रहे, बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पर झूले मिले सब आएंगे, तो एक अच्छी सुविधा आज हमारे बच्चों को यहाँ पर हमारे एरिया में रह के उनको यहाँ पर खेलने के लिए मिले, यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये उद्देश्य मैंने आज है तम हाथ में लिया दादा। साथ ही में जो प्रभात के पूरे हमारे जितने भी स्ट्रीट लाइट्स है वो जो खराब हो चुके हैं, और जहाँ ब्लैक स्पॉट्स है, ऐसे सारी जगह पे हमने 150 स्ट्रीट लाइट्स लगाने का काम दादा आज आपके माध्यम से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही में जो 2 हमारे स्पॉट्स है, जो हनुमान नगर का प्रवेश द्वार है वो, और संजीवनी कुमारी का हमारे जो परिसर है, ये दोनों जगह पे हम आईमास लगाने का काम आज यहाँ पर कर रहे हैं। चाहे इसमें हनुमान नगर हो, इंदिरा नगर हो, गणेश नगर हो, अम्बेडकर नगर हो, चूनापट्टी हो, फिर हमारा गणपति पाड़ा हो, पाली परिसर हो, दुर्गास्टोर के दोनों प्रभाग हो, और कृपा ही नहीं पूरे नई मुंबई का नेतृत्व आप ही के हाथ में होना चाहिए, और मैं कहता विश्वास के साथ कह रहा हूं आने वाले समय में कृपा के दोनों प्रभाग नहीं पूरा 41 प्रभाग आपके नेतृत्व में चुन के आएगा, और वहां पर नई मुंबई का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दादा आप ही बिठाओगे, ये मैं आपको आज सबके सामने विश्वास के साथ कह रहा हूँ।